नूरपुर में पथ परिवहन निगम जसूर की वर्कशॉप में आधुनिक अंतर्राज्यीय बस अड्डा बनाया जाएगा और साथ ही पथ परिवहन निगम के पठानकोट के डिपो का हेडक्वार्टर को बदलकर नूरपुर में लाया जाएगा। इसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नूरपुर दौरे के दौरान मांग रखी जाएगी ताकि घाटे में चल रही कॉरपोरेशन को आर्थिक संसाधन पैदा हो। ये बात नूरपुर के विधायक राकेश पठानिया ने नूरपुर प्रशासन के आलाधिकारियों के साथ जसूर स्थित वर्कशॉप का औचक निरीक्षण करने के दौरान पत्रकारों से कही। उन्होंने कहा कि 1 मार्च को प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर भी नूरपुर आ रहे हैं और जसूर स्थित पथ परिवहन निगम की वर्कशॉप में आधुनिक बस अड्डे की संभावना को जांचेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर जगह बस अड्डे के साथ साथ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, टैक्सी स्टैंड व सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भी स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा ताकि निगम को आर्थिक लाभ हो सके और स्थानीय लोगों को स्वरोजगार के लिए कॉम्प्लेक्स भी मिल सके। उन्होंने कहा कि 3 मार्च के मुख्यमंत्री के नूरपुर के दौरे के दौरान इस मांग को जोरदार ढंग से रखा जाएगा ताकि नेशनल हाईवेज के साथ सटी यह बहुमूल्य भूमि पथ परिवहन निगम की कमाऊ पूत बने। दौरा है, अब पहली तारीख को आदरणीय मंत्री जी हमारे जो गोविंद ठाकुर जी हैं, जिनके पास ट्रांसपोर्ट और फॉरेस्ट भी है, वो भी आ रहे हैं। तो उसको हम प्रपोज कर रहे हैं कि पीपीपी मोड में हम इसमें एक अच्छा बढ़िया बस स्टैंड बनाए। वैसे भी मेरी गृह पंचायत है जांच और इसके अंदर एक अच्छा बस स्टैंड बने। प्रधान जी आ जाए, अच्छा बस स्टैंड बने और कॉपी आ जाए, अच्छा बस स्टैंड भी बने और इसमें एक अच्छा मॉल भी बने और शॉपिंग कम्प्लेक्स भी बने, बैंक्स भी आए यहाँ पे, एक 100 दुकान भी बने शॉपिंग के लिए, जहाँ पे हमारे बच्चों को रोजगार भी यहाँ मिल सके। टैक्सी स्टैंड भी यहाँ पे आ जाए, क्योंकि आप सारा टैक्सी स्टैंड सड़क के ऊपर खड़ा हुआ है, यातायात को वहाँ प्रॉब्लम होती है, पीछे ट्रक ऑपरेटर्स यूनियन वाले यहाँ पे आ जाए। ये सारा का सारा एरिया हमारा इस पंचायत में बस जाए और एक अच्छा सोर्स बन जाए इनकम का HRDC कॉरपोरेशन के लिए, क्योंकि कॉरपोरेशन वैसे नुकसान में है, घाटे में। यहाँ पे अगर एक कमर्शियल कम्प्लेक्स बन जाएगा तो वो सारा का सारा जो है HRDC उसका फायदा भी होगा और मंथली करोड़ों रुपए की इनकी इनकम जो है सालाना शुरू हो जाएगी, तो कॉरपोरेशन भी अलाइव हो जाएगी। और हम पठानकोट का भी इंस्पेक्शन करने जा रहे हैं, वहाँ पे जो बस स्टैंड है, हेडक्वार्टर हम नूरपुर शिफ्ट करेंगे ताकि HRDC की वर्कशॉप में जो लिखा हुआ है आपके हर बस पे कि HRDC डिपो पठानकोट, भाई डिपो नूरपुर क्यों लिखा जा सकता, उस डिपो को भी यहाँ लेकर आएंगे ताकि उस पर नूरपुर डिपो लिखा जाए। अगर पूरे हिमाचल प्रदेश में आपकी बस जाती है तो वो HRDC पठानकोट डिपो लेके जाती है, पठानकोट के हिमाचल का हिस्सा है। तो इसको हमने पिछली सरकार में मूव किया था और हमने पिछली सरकार में इसको कैबिनेट में भी लाया था, पर सरकार चली गई और ये फैसला नहीं हो सका। इस पिछली बार हम लेट हो गए तो इस बार हम लेट नहीं करना चाहते, हम इसको पहले दिन से शुरू कर रहे हैं ताकि हमारा नाम जो है बसों पर भी आए और यहाँ पे एक अच्छी कमर्शियल प्रॉपर्टी बने ताकि उसका कॉरपोरेशन को फायदा हो। ये CM साहब से भी मैं घोषणा 3 तारीख को कराने का प्रयास करूँ।